केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरू की है। इसके तहत शारीरिक रूप से अक्षम वृद्धों को सरकार की तरफ से व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी 387 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। दुर्ग में हितग्राहियों को व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण वितरण के लिए 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले के धमधा, पाटन, भिलाई सहित दुर्ग के 387 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। शिविर में आए हितग्राहियों और उनके परिजनों ने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इससे उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। मुझे जब इस योजना का पता चला तो अपने पिताजी को मैं लेकर के आया यहाँ पे, और उनके साथ कई एक समस्याएं थी उम्र के साथ। कानों की उनको बहुत तकलीफ थी, आंखों में दिक्कत थी, चलने फिरने में उनके घुटने जवाब दे रहे हैं, तो वो एक समस्या थी। यहाँ पे आने के बाद इन सारी चीज़ों का निदान जो है एक एक करके इस योजना के तहत मिला है, जिसमें कान की मशीन मिली है, आंखों के लिए चश्मा मिला है, और छड़ एक जो रहती है छड़ी वो दी गई है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा एक ये फायदा हो रहा है, योजना है ये। इनको इनके दांत पूरे गिर गए थे, चलने में भी तकलीफ थी, कानों से सुनाई नहीं देता था और आंखों से भी कम दिखाई देता था, लेकिन अभी केंद्र सरकार से ये सारी सुविधाएं, कान, नाक और गले का जो ये दांतों का सेट दिया है, उससे काफी बदलाव आएगा और आने वाला है। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक डीपी ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना उन गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो शारीरिक रूप से अक्षम है और उन्हें सहायक उपकरणों की जरूरत है। सहायक उपकरण उन्हें निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। जोन है के उद्देश्य से एक शासन द्वारा वयोश्री योजना संचालित किया जा रहे हैं। वयोश्री अंतर्गत शासन को द्वारा विभिन्न जो सहायक उपकरण उपलब्ध कराते हैं निःशुल्क गरीब तबके के लोगों को, जिसमें आँख के लिए चश्मा, कान के लिए श्रवण यंत्र, दांत के लिए दांत, नकली दांत भी बनाया जाता है, एवं व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, वॉकर, सभी जो निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एवं प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए विभिन्न जिले अंतर्गत 4 स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया था। इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही ले सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण कराने वालों को जन्म तारीख से संबंधित कागजात दिखाने होंगे।